अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको हम एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं। और वो नई चीज़ क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर 70 किसी के पास बाइक है और वो अगर चाह रहा है उसको हैवी बाइक कराना, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत काम वाली होने वाली है। और आपको वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ है, उसमें 70 क्यों आई, मैंने उसकी जिक्र क्यों करा, तो वो आपको वीडियो में बताता हूँ आपको। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? चलिए, ये बाइक जो है काफ़ी आजकल मशहूर हुई हुई है, तो इसके बारे में बताएं, ये कौन सी बाइक है? ये मैंने कैफे रेसर बनवाई है और ये थोड़ी मॉडिफाई की है। ये माशाल्लाह इसकी बहुत स्पीड है, मकसद 1-5 की टक्कर पे चलती है। और जो काफ़ी पार्ट्स हैं तो ये यहाँ से नहीं आई, मकसद लाहौर से इसका सामान मंगाया गया था। अच्छा, इसका सामान लाहौर से मंगवाया गया। अच्छा, ये दिखने में तो मुझे 70 की तरह लग रही है। तो ये आप नीचे इंजन तो इसका 70 का है, बाकी इसमें खाली पार्ट्स चेंज हैं या फिर इसके अंदर भी कोई काम करवाया गया? नहीं, ये है तो खैर 70, लेकिन इसका जो अंदर के जो पार्ट्स हैं इंजन के, ये इसके अंदर चिंची का पिस्टन लगवाया गया है, तो इस वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है। और ये जो पार्ट्स वगैरह हैं ये मंगवाए थे तो ये काम करवाया फिर हमने। अच्छा, इसके अंदर कितना खर्चा आ गया अभी तक आपका? इसके अंदर मेरा मैक्सिमम इसके 45,000 रुपये खर्चा आ गया। सामान जो लाया हूँ ना मैं, तो वो 45,000 रुपये का सामान है खाली है। अच्छा नाज़रीन, अभी बहुत सारे आपको देख भी रहे हैं, अगर किसी को ये बाइक बनवाना हो या 70 अपग्रेड करवाना हो या फिर बस उसको ऐसी बाइक चाहिए हो जी, तो आप उसको बनवा के दे सकते हैं या उसको आप मैकेनिक के पास भेजेंगे? जी जी, बनवा के दे सकते हैं बिल्कुल, हमारा अपना मैकेनिक है, मैंने अपने मैकेनिक से ये तैयार करवाई है। तो नाज़रीन, इनका हम आपको नंबर भी सेंड कर देंगे एंड में, फिर आप उनसे भी रब्ता कर लीजिएगा। बाकी आपको बाइक का भी ओवरव्यू देते हैं और इसके बारे में आपको और भी डिटेल आपको बताएंगे। अच्छा, अभी इसमें जो सामान लगे हुए हैं, पुर्जे वगैरह लगे हुए हैं, आप इसके नाम क्या क्या हैं ये मुझे बताएं जरा नाज़रीन को। ये कैफे रेसर की सीट है जो इसी शेप में बनाई गई है, और ये प्रेशर जंपे हैं, ये आम बाइकों से काफ़ी अच्छी जंपे हैं, आरामदेह जंपे हैं, मकसद इसकी जंपिंग बहुत प्यारी है, गड्ढों जंपों में पता नहीं लगता जंप सही है ये। और इसके जो ये जो टायर दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं ट्रेल बाइक के टायर हैं, ये टायर भी बड़े अच्छे हैं, काफ़ी मकसद बेहतरीन है, इनकी ग्रिप है अच्छी हैं। और यहाँ पर ये आगे का बताएं, आगे जो लाइट है वगैरह भी अच्छी खासी नज़र आ रही है, ये इसके बारे में बताएं। ये लाइट जो है मकसद ये बनवाई गई है ऑर्डर पे, और इसका जो मकसद ये लाइट है, कहने का मकसद इसको स्पोर्ट बाइक बनाने की कोशिश करी गई है, और ये काफ़ी हद तक बेहतर लग भी रही है। जी जी, बिल्कुल ये मॉडिफाई करवाई है, बड़ी अच्छी लगी है, काफ़ी बंदे मेरे को तारीफ भी करते हैं। तो नाज़रीन, ये आपको इसका इंटरव्यू पेश करा है हमने, और इसके सिलेंसर के बारे में बताएं, ये कौन सा है? इसका सिलेंसर भी ये है ना बनवाया गया है, और इसका आम बाइकों से मकसद स्पोर्ट बाइक की तरह इसका साउंड है, इस वजह से ये सिलेंसर बनवाया है। जी नाज़रीन, आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको भी अगर अपनी 70 को मॉडिफाई करवाना है, हेवी बाइक की तरह अगर आपने बनवाना है, तो ज़रूर आप इनसे रब्ता करें और अपनी 1-5 की तरह जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी बाइक को मॉडिफाई करवाएं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो उसके लिए ये ऑफ़र बहुत ज़बरदस्त है, वरना तो मेरा मशवरा 1-5 का ही होता है, लेकिन ये बाइक भी 1-5 का ही आपको मज़ा देगा, और बाकी ओवरव्यू आपको और